हेलो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख झीलें। आरएएस परीक्षा में झीलों से संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछ लिए जाते हैं और आपको इनका जानना बहुत ज़रूरी है। राजस्थान में खारे और मीठे पानी की झीलें हैं। सभी को पता है खारे पानी की झीलें जहां नमक का स्रोत है और मीठे पानी की झीलों से हमें पीने का पानी उपलब्ध होता है। मीठे पानी की जो झीलें हैं उनसे सिंचाई होती है और क्षेत्रीय पर्यावरण के सौंदर्य में वृद्धि होती है। कुछ झीलें पर्यटन का महत्व भी रखती हैं, जैसे उदयपुर में पिछोला झील है, फतेह सागर झील है। इन सब का पर्यटन के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ की अधिकांश झीलें जो हैं राजस्थान की, वो सब प्राकृतिक हैं, किंतु अनेक में बांध बना करके जल एकत्रित किया गया है। झीलों का संक्षिप्त वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले हम वर्णन में लेकर के चलेंगे खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलों में जिन झीलों से नमक उपलब्ध कराया जाता है या नमक का उत्पादन होता है, उसे खारे पानी की झील कहते हैं। आप मैप में भी देख सकते हैं कुछ प्रमुख झीलों का नाम जो है बताया गया है। इसमें सबसे पहले मुख्य झील जो है वो है सांभर झील। सांभर से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार राजस्थान की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। जयपुर ज़िले में, जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर है ये झील। सांभर झील कहाँ है? जयपुर से 65 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। भारत की, पूरे भारत की यह है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहाँ नमक का उत्पादन होता है और समुद्री नमक के अतिरिक्त सांभर में ही सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है। झील का कुल क्षेत्रफल लगभग 150 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जल ग्रहण की क्षमता है 2500 वर्ग किलोमीटर। इसकी प्रमुख जल धाराएं हैं रूपनगर, मेघना, खारी और खंडेल। जल धाराएं इसमें आकर के गिरती हैं जो वर्षा काल में झील को जल से भर देती हैं। जल धारा क्या होती है? जो इसमें झील में आकर के नदियाँ गिरती हैं, छोटी धाराएं, उसमें एक नाम है रूपनगर, दूसरा है मेघना, तीसरा है खारी, चौथा है खंडेल। चारों जल धाराएं इस झील को भर देती हैं और फिर यह है समय समय पर नमक का इसमें उत्पादन होता है। सांभर में नमक की उत्पत्ति के संबंध में भूगर्भ वेत्ताओं में मतभेद है कि नमक कैसे उत्पन्न होता है। भूगर्भ वेत्ता इसका अलग अलग इस पर विचार व्यक्त करते हैं। हॉलैंड इसे वायु द्वारा बहाकर लाया गया बताता है, तो अन्य जल के द्वारा, जबकि कुछ विद्वान ये कहते हैं कि यहाँ पर कुछ चट्टानें ऐसी हैं जिनके कारण इसमें नमक बनता है। वास्तविकता यह है कि संपूर्ण झील का तल 20 मीटर मोटी लवण युक्त मृदा से ढका हुआ है, यानी इसमें 20 मीटर जो ऊंचाई की एक परत बनी हुई है नमक की, और उसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का उत्पादन यहाँ पर होता है। यह संपूर्ण उत्पादन कौन करता है? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। यह मुख्य बात है, नोट करने वाली बात है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कंपनी जो है उसके द्वारा सारी चीज़ों का, जो चार चीज़ें मैंने बताई, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का उत्पादन हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। दूसरे नंबर पर आती है डीडवाना झील। नागौर ज़िले में डीडवाना नगर के निकट यह नमकीन पानी की झील है। आप मैप में देख सकते हैं, नागौर ज़िला आपको दिखाई देगा। जो यह झील 4 किलोमीटर में फैली हुई है। इस झील से सोडियम लवण तैयार होता है, जिसे तैयार करने के लिए यहाँ एक सोडियम सल्फेट का संयंत्र लगाया गया है, यानी फैक्ट्री लगाई गई है जिसमें सोडियम सल्फेट बनता है। तीसरी जो मुख्य झील है वो है बाड़मेर ज़िले में। बाड़मेर ज़िले में जो झील है उसका नाम है पचपदरा। पचपदरा जो झील है यह खारे पानी की झील है और इसका विस्तार 25 किलोमीटर के एरिया में है। यहाँ उत्तम किस्म का नमक तैयार होता है और इस नमक में 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। द
तत्पश्चात स्थान आता है लूणकरणसर झील का। लूणकरणसर जो झील है ये बीकानेर से 80 किलोमीटर दूर लूणकरणसर में यह झील है। आप नाम से ही देख सकते हैं कि लून का मतलब होता है नमक, नमक करणसर, करणसर मतलब जहाँ पर नमक का उत्पादन होता हो, सर यानी तालाब, वो वाली झील। तो लून करणसर का नाम से ही आपको नमक ध्यान रह जाएगा कि ये खारे पानी की झील है, लेकिन इसमें नमक नहीं के बराबर बनता है, इतना नहीं है, पर पानी खारा है। झील में नमक बनता है लेकिन कम बनता है। राजस्थान की नमकीन पानी की जो अन्य झील हैं वो हैं फलोदी, कुचामन, कावोद, ये जैसलमेर में है, कद्दूर, रेवासा आदि। राज्य की समस्त लवणीय झीलें पश्चिमी मरुस्थलीय, याद रखने की कौन सी बात है, आप मैप में देखेंगे कि पश्चिम की तरफ जो हमारा मरुस्थल है, बाईं ओर देखिए मैप में, पर मरुस्थल का जो रेगिस्तानी भाग है उसमें पाई जाती हैं, जो पश्चिमी एशिया के मरुस्थल में स्थित है। पलाया या अर्जेंटीना की साल्टा झीलों के समान है। इन दोनों में क्या समानता है कि अर्जेंटीना की जो साल्टा झील है, हमारी यहाँ राजस्थान की जो झील है वो वैसी ही हैं। भूगर्भिक बनावट की विशेषता के कारण इन झीलों का जल जो है लवणीय है, यानी कि भूमि में कुछ ऐसे तत्व हैं इन झीलों में जिसके कारण इनका पानी जो है वो नमक से भरा हुआ है, नमक इसमें उत्पादित कर सकते हैं। इसके बाद आती हैं मीठे पानी की झीलें। ये देखिए झीलों का क्वेश्चन जो है जानना बहुत ज़रूरी है RAS की तैयारी के लिए, ये हमारे सामान्य ज्ञान में वृद्धि करता है। फिर आती है मीठे पानी की झीलें, जो झीलें पीने का पानी, सिंचाई उपलब्ध कराती है, साथ ही मछली पालन में भी सहायक हैं। मछली पालन के लिए भी झीलों का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है कि हम इस प्रकार की जो है उत्पादन करें। कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मछली पालन। यही नहीं, अभी तो अनेक झीलें ऐसी हैं जो प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, इससे भी हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक धन मिलता है। वो एक अलग विषय है, जब हम उस पर अलग से बात करेंगे। अभी हमारी झीलों का जो विषय चल रहा है उसमें सबसे पहले मीठे पानी की झील आती है। मुख्य झील जो है वो है जयसमंद झील। आप लिस्ट में मैंने सारे नाम आपको बता रखे हैं मुख्य झीलों के, मीठे पानी की जो मुख्य झीलें हैं, लेकिन इनमें भी कुछ इम्पोर्टेंट झील हैं जिनके क्वेश्चंस बार बार आते हैं। उसमें सबसे पहले जयसमंद झील का मैं आपको बताती हूँ। इसे ढेबर झील के नाम से भी पुकारा जाता है, ढेबर नाम ध्यान करिएगा। इसका निर्माण 1685 से 91 में महाराणा जय सिंह ने करवाया था, और नदी कौन सी है, गोमती नदी पर बांध बना करके कराया गया था। यह झील उदयपुर से 51 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। उदयपुर जिला आप मैप में देख सकते हैं, मैंने मैप उपलब्ध करवा रखा है वीडियो में, तो आप ये देखिए कि उदयपुर में से 51 किलोमीटर दूर है, दक्षिण और पूर्व में, दक्षिण पूर्व की तरफ स्थित है, और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 1800 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। इसमें 1950 में सिंचाई के लिए दो नहरें बनाई गई थी, एक शामपुरा और एक भाट नहर, जिसकी कुल लंबाई 324 किलोमीटर है, और वितरक जो नहरें हैं उनकी लंबाई 125 किलोमीटर है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, जो पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तत्पश्चात स्थान आता है राजसमंद झील का, यह भी उदयपुर में है, उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर है, और अभी जो इसका जिला है वो है राजसमंद। इसका निर्माण कराया था राज सिंह ने 1662 में। यह लगभग 65 किलोमीटर लंबी है और 3 किलोमीटर चौड़ी है। इसमें गोमती नदी आकर के गिरती है, ध्यान करने की बात है। इस झील का निर्माण उस समय किया गया था जब मेवाड़ में अकाल पड़ा था। आप सभी को पता है कि राजस्थान में समय समय पर अकाल आते रहते हैं, इसलिए सिंचाई की व्यवस्था राजाओं ने करवाई थी, महाराणा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इस झील के किनारे सुंदर घाट और नौचौकी पाल, अभी नौचौकी का क्वेश्चंस अनेक बार RAS में पूछा गया है, बिल्कुल ध्यान करने योग्य है, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। नौचौकी, जहां संगमरमर के शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत में अंकित है,
नौचौकी का महत्व क्या है कि इस झील के किनारे नौचौकी है और जहाँ पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत में लिखा गया है। तत्पश्चात स्थान आता है पिछोला झील का, यह भी उदयपुर नगर के पश्चिम में स्थित है और पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी के अंत में राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने कराया था। ये बंजारे वाला प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है इस झील से संबंधित। इस झील के दो टापुओं पर जग मंदिर और जग निवास नाम के दो महल बने हुए हैं, सुंदर महल, जिसमें एक का नाम है जग मंदिर और दूसरे का नाम है जग निवास। एक समय यहाँ विद्रोही शहजादा खुर्रम को रखा गया था, अभी इसे एक होटल का रूप दे दिया गया है। यह भी पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण झील है। पश्चात स्थान आता है फतेह सागर झील का। अब देखिए, सारी झीलें उदयपुर में स्थित हैं, इसीलिए उदयपुर को क्या कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है। फतेह सागर झील की बात कर लेते हैं, उदयपुर नगर से सटी हुई है और पिछोला झील के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था फतेह सिंह ने, तभी इसका नाम क्या है, फतेह सागर। यह जो है, इसके बीच में एक छोटा उद्यान है, झील के बीच में एक पार्क बनाया हुआ है जो पर्यटकों के लिए विकसित किया गया है, जो अब नेहरू उद्यान के नाम से जाना जाता है। पश्चात स्थान आता है आना सागर झील का, अजमेर नगर के। अजमेर देखिए राजस्थान के बिल्कुल सेंटर में स्थित है। आप मैप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है और आना सागर झील वहीं पर स्थित है। अजमेर नगर के निकट जो स्थित इस झील का निर्माण करवाया था सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पिता में, जिनका नाम आना जी था। इसमें भी जिसने निर्माण करवाया है आना सागर, तो ध्यान करने की बात है कि उनके पितामह थे आना जी, जिन्होंने 1137 में इसे बनवाया था। यह मुगल सम्राटों के आकर्षण का केंद्र रहा, जहां जहांगीर ने एक उद्यान दौलत बाग एक बाग बना हुआ है जो इस झील के निकट ही है और उन्होंने बनवाया था, तथा शाहजहाँ ने इसके तट पर सुंदर संगमरमर की छतरियाँ, जिन्हें बारह दरी कहा जाता है, का निर्माण करवाया था। यह भी पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। अनेक पर्यटक यहाँ पर प्रतिवर्ष आते हैं, जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक योगदान देते हैं। इसके बाद आती है मीठे पानी की पुष्कर झील। इससे रिलेटेड भी अनेक क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। यह अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर में विशाल पुष्कर सरोवर है। यह क्या है, सरोवर है। यह चारों ओर से पर्वतों से आवृत सुंदर झील है, यानी इसके चारों तरफ पहाड़ हैं और धार्मिक दृष्टि से इसका अत्यंत महत्व है। यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर जो है वो स्थित है, जो पूरे देश में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है, और यहाँ इसी कारण से धार्मिक और पर्यटक दोनों कारणों से देश विदेश के सैलानी आते हैं और श्रद्धालु भी आते हैं। यह झील भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिलीसेड झील आती है इसके बाद। सिलीसेड कहाँ, सिलीसेड है अलवर में। अलवर से है 12 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों में। बहुत ही सुंदर झील है और इसके चारों ओर पहाड़ियां भी हैं, सघन वन है, इसी कारण यह भी पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त झीलों के अलावा नवलखा झील बूंदी में है, कोलायत झील बीकानेर में है, शैव सागर डूंगरपुर, गलता और रामगढ़, गलता जी का भी धार्मिक महत्व है, जयपुर में है, बालसमंद झील जोधपुर में है, कैलाना झील जोधपुर में है, भरतपुर का बैरटा बांध और धौलपुर का तालाब शाही भी प्रसिद्ध हैं। ये सब हो गई हमारी राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। जानकारी बांटने से बढ़ती है। थैंक यू फ्रेंड्स।